हरदा की रहटगांव तहसील में शुक्रवार को वन विभाग द्वारा तेंदू पत्ता का प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वनांचल के आदिवासी संग्राहक हजारों की संख्या में रहटगांव पर्यावरण केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक संजय शाह अपने साथी एवं कार्यकर्ताओं के साथ शामिल रहे। हरदा DFO अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में हजार से कम बोनस प्राप्त करने वाले संग्राहकों को संजय शाह के हाथों से नगद भुगतान किया गया एवं हजार से अधिक बोनस प्राप्त करने वाले संग्राहकों को उनके बैंक खाते में राशि जमा की जाएगी। आप लोग से चर्चा करते रहते हैं, समय समय पर आप उनसे भी हम तक बात पहुंचाएंगे तो उसमें हम कसावट लाने का हम प्रयास करेंगे। जो 2-3 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं उनके लिए मिडिल स्कूल हाई स्कूल में भी साइकिलों की फ्री में व्यवस्था शासन ने की है। भोजन बच्चों को वही स्कूल में उपलब्ध कराया जाता है। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, होशियार है, तो शहरों में भी छात्रावास है, वहां पर भी उनको रखने की शासन ने व्यवस्था की है। अभी हमने पिछले साल एक आवासीय परिसर हमने स्वीकृत करवाया था, जो 100 बच्चों को वहां पर रखेंगे और जैसा नवोदय में होता है पूरा करोड़ रुपए की बिल्डिंग और पूरा आवासीय परिसर, वहां पर शिक्षण संस्थान पूरे अंदर ही सब कार्य होंगे। वैसा हमने स्वीकृत कराया था, लेकिन टिवरनी में वो जगह के अभाव के कारण वो नहीं हो सका और कुछ कारणवश वो हारदा जा रहा था, लेकिन हमने अभिभावकों की मांग पर, हमारे सजाती बंधुओं की मांग पर सीएम साहब से मुलाकात करके उसको फिर से वहां से चेंज कराकर रहगांव में आपका जो सदर मुकाम है, ये तेंदू पत्ता संग्रहण जो हमारे श्रमिक लोग करते हैं जी, उनका 2015 का बोनस का भुगतान आज हम लोगों ने यहाँ किया है जी। और ये हमारे जिले में 1.25 करोड़ रुपया बोनस के रूप में बटना है, जिसमें से 1000 रुपये जिनका कम है 1000 से जी, उनको नकद वितरण किया जा रहा है और जो 1000 रुपये से ज़्यादा के हैं जी, उनके खाते में सीधे पैसा डाला जाएगा। और हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की है और पूरे ज़िले में हम लोग एक हफ्ते के अंदर पूरा पेमेंट, चाहे नकद हो चाहे खाते में जाना हो, हम लोग सुनिश्चित करेंगे और हम भुगतान कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं भी इकट्ठी हुई हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं शासन की तरफ से उनके लिए की गई है? ये जो तेंदू पत्ता संग्राहक हैं हमारे और चाहे आदिवासी भाई हो, इनके लिए शासन की कई योजनाएं हैं, जैसे तेंदू पत्ता का बोनस का, जो भी हर साल लोगों ने पत्ता तोड़ते हैं उसका बोनस का वितरण किया जाता है जी। इसी प्रकार शासन ने अभी निर्णय लिया है कि जो हमारे जितने भी संग्राहक हैं महिला पुरुष, उनको जूते चप्पल और पानी का बॉटल दिया जाएगा जी। ये भी अभी शासन स्तर पर है और जल्द ही जैसे भी स्वीकृति आती है हम लोग देंगे जी। इसके अलावा तेंदू पत्ता संग्राहकों को बीमा की राशि का भी शासन वितरण करता है जी। जब इस तरह की कोई बात आती है, इस तरह की कई योजनाएं, एकलव्य शिक्षा योजना एक है शासन की महत्वपूर्ण योजना है जी, जिसमें संग्राहकों के बच्चों जो उच्च शिक्षा करना चाहते हैं जी, उनके लिए शासन उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी खर्चा जी शासन वहन करती है और इससे हमारे जिले के भी काफ़ी लोग हर साल लाभान्वित हो रहे हैं। ये आज तेंदू पत्ता बोनस वितरण का कार्यक्रम था गाँव में जी, और ये 8 समितियाँ हैं हमारे जिले में, लेकिन आज यहाँ पर जो वितरण कार्यक्रम था ये 2 समितियों को, टेमा गाँव और रेडगांव का और मगरदा का, 3 समितियों का बोनस वितरण कार्यक्रम रखा था। शासन की मंशा अनुरूप हर साल जो बोनस की राशि आती है जी बनोपद से, वो बोनस के रूप में इन सभी संग्राहकों को उनके जितना उनका हक बनता है उस हिसाब से बांटने का कार्यक्रम रखा गया था। 24 आवर्स टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। We'll be right back.